आज हम बनाएंगे पनीर का शाही पुलाव। ये वेजी वाला होता है, आप ये बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और जो भी आपके पास सब्जियां पड़ी हैं उसमें आप इसको बना सकते हैं। ये मैंने एक कप चावल लिया है, बासमती चावल से भिगो दिया था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल करके कुकर में और थोड़ा सा ज़ीरा और प्याज डाला है और एक कप चावल में मैंने एक कप ही पानी डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया है। अब हमें इसे चावल को एकदम फरारे बनाने हैं ताकि अलग अलग रह सके। अब कुकर में हमारा थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा जब देखिए पकने के बाद, अब हम इसमें एक सीटी लगा देंगे। अब हमने इसे पनीर को कट करके उसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश या आपके जो बच्चों को अच्छे लगे हल्का सा सॉल्ट कर लिया है। अब इसमें मैंने कॉर्न, हरे मटर, कैप्सिकम और हरी मिर्ची, अगर ज़्यादा कड़वी नहीं इसलिए मैंने तीन ली है, और दो प्याज और एक मैगी मसाला पाउडर, इससे इसका एकदम टेस्ट चेंज हो जाता है। थोड़े से ऑयल में मैंने जीरा डाला है और दो कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। इनको हल्के से सॉटे कर लेंगे, वो हमें बहुत पकाना नहीं है क्योंकि अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। इसके बाद हम उसमें मटर और कॉर्न और शिमला मिर्च और हरी मिर्ची ये डाल के इसको हल्का सा कर लेना है, सॉटे ही करना है, बहुत हमें कुक नहीं करना है। हल्के हाथों से चला करके अब इसमें हमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल देना है एक टीस्पून, और हाफ टी स्पून हमने इसमें विनेगर डालना है वाइट वाला। अगर आप इसमें विनेगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, वैसे विनेगर से एकदम मार्केट जैसा ही टेस्ट आ जाता है। उसको हल्के से चला करके बाकी इसमें और सब ऐड करेंगे। अब हम इसमें मैगी मसाला एक डाल देंगे। मैगी मसाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और बच्चों को भी पसंद आता है। अब हम इसमें जो पनीर और ड्राई फ्रूट हल्के से फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। इतनी देर में हमारी सब्जियां भी हल्का सा कुक हो चुकी हैं और हमने जो पुलाव सबसे पहले बना के रखा था अब हमने इसमें पुलाव डाल दिया है। ये देखिए हमारा चावल लेके खिला हुआ है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो सारा इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है और चावल जब फरारे होंगे तो टूटने का भी कोई डर नहीं रहेगा। हल्के हल्के मिक्स करके ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, टिफिन के लिए तो बहुत ही फटाफट। अगर आपने रात में सब्जियां सब सॉटे करके रख ली हैं तो सुबह फटाक से आपका 5-10 मिनट में रेडी हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑरेगानो डाल देंगे तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हरी धनिया डाल के इसको हम सजा देंगे। अब हमको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। और ये देखिए हमारा पनीर।